हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन ऑटोमोटिव चैनल टॉर्क एंड टूअर। दोस्तों, जब भी हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो मारुति कार्स को सबसे लास्ट में गिना जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो मारुति के स्विफ्ट जो हॉट हैच है इनकी, स्विफ्ट के एक्सीडेंट का है, जिसमें आप वीडियो देखेंगे कि वो गाड़ी छत के बल गिरी हुई है। पहले आप वीडियो पे नजर डाल लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। दोस्तों, यह है स्विफ्ट VXI जो दिसंबर 2020 में खरीदी गई थी, और परचेज के लगभग एक महीने बाद इस गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये एक्सीडेंट हुआ है। जो इसकी टक्कर थी, जो रोड के साइड में नाली और हल्की सी दीवार जैसी बनी हुई थी उसके साथ, वहाँ पे इसकी टक्कर हुई और उसके बाद ये यहाँ पे पलट गई है। एक बार नज़र डालते हैं इसके एयरबैग्स खुले हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस गाड़ी के एयरबैग्स बिल्कुल खुले हैं, और जो इसके पैसेंजर थे इस गाड़ी में, वो सेफली गाड़ी से निकल के अपने काम पर चले गए हैं। मतलब बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें एक भी खरोंच नहीं आई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पीछे से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, क्योंकि ये पोर्शन ही सबसे पहले उछलने के बाद रोड पे हिट हुआ था। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये गाड़ी कहाँ से और किस जगह पे ये हिट हुई है। जो इसके टेल लाइट है वो टूट के वहाँ पे बिखरी हुई है। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो भाई साहब जो इस गाड़ी को चला रहे थे, वो इस पोर्शन जहाँ क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन पे जाके इन्होंने ये गाड़ी जो है, ये साइड वॉल, जो नाली की साइड वॉल है, वहाँ पे हिट हुई। उसके बाद उनका जो टायर है ये ब्रस्ट हो गया। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जब ये टक्कर इस गाड़ी की उस दीवार के साथ हुई, नाली की दीवार के साथ हुई, तो ये टायर ब्रस्ट हो गया। उसके बाद उनका जो पैर है वो एक्सलरेटर से हटा नहीं, और गाड़ी लगातार एक्सलरेट होती हुई, ये सामने जो आपको टीला जैसा पहाड़ी नुमा हल्का सा दिखाई दे रहा है, इस पर चढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये गाड़ी जहाँ पे आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है वहाँ से हवा में उछलती है, और जहाँ ये एरो का फ्रंट है वहाँ पे आके इसकी जो राइट का टेल लैंप वाला पोर्शन है वो हिट होता है ज़ोर से, और उसके बाद ये उछल के आगे गिरती है। तो आप यहाँ से इसकी स्पीड का आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है ये इतने हल्की स्पीड पे नहीं हुआ है। आप इस वीडियो में इसकी टेल लैंप के जो शीशे हैं ये बिखरे हुए देख सकते हैं, ये रेड कलर के टुकड़े यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये है वो टेल लैंप का वो पोर्शन जो सबसे पहले ज़मीन पे लैंड हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको वो पोर्शन दिखा रहा हूँ जहाँ से ये गाड़ी हिट हुई है। इसकी सस्पेंशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेंड हो गई है थोड़ी सी, और ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये इसका टायर जो ब्रस्ट हुआ था। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी साइड बिल्कुल साफ सुथरी है। ये फ्रंट है जो अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। एक बार फिर से कैबिन के अंदर देखते हैं, यहाँ से आप कैबिन के अंदर का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा ये कैबिन है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अगर आप सेफ लिमिट्स पे चलते हैं तो सभी गाड़ियां सेफ हैं, वेदर दैट इज टाटा और मारुति। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं सिर्फ इतनी सी ही बात करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी गाड़ी को सेफ लिमिट्स पे चलाते हैं तो आप सेफ हैं। सेफ गाड़ी चलाएं, सुरक्षित घर पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।